वन पहाड़ कंदराओं में सब जगह ढूंढा, किंतु माता जानकी का कहीं भी पता नहीं चला। अब हम क्या मुंह लेकर लौटेंगे, इससे तो अच्छा है कि हम अपने सब प्राण यहीं गंवा दें। ठीक है, महाराज सुग्रीव ने जो समय दिया था वो भी अब समाप्त होने वाला है। हाँ भाइयों, हनुमान जी जामवंत जी सभी वानर चलते चलते थक गए हैं, उन्हें भूख और प्यास सता रही है, कहीं से जल और फल का प्रबंध कीजिए। अंगद जी अब मैं अभी देखता हूँ। भाइयों भाइयों आप सब शांत रहे। शांत हो जाओ भाइयों। मुझे इस निर्जन स्थान पर एक गुफा दिखाई देती है, चलो हम सब वही चलते हैं। आओ भाई। संभव है। हाँ भाइयों, हमें वहाँ खाने के लिए फल और पीने के लिए जल मिल जाए। आओ चलो भाइयों। आओ भाइयों। चलो भाइयों। शांत हो जाओ। इस निर्जन गुफा में ये फलों से लदे वृक्ष और ये शीतल सरोवर, जाने ये क्या रहस्य है। संभव है यहाँ कोई मायावी निवास करता हो। अरे तुम सब कौन हो और यहाँ किस कार्य हेतु आए हो, बताओ, अति शीघ्र बताओ, अन्यथा मैं तुम सबको भस्म कर दूंगी। हे मातेश्वरी, हम सब प्रभु श्री राम के सेवक हैं, जो अपनी माता पिता की आज्ञा मानकर 14 वर्षों के लिए वनों में निवास कर रहे हैं, और एक दिन उनकी पत्नी माता सीता का किसी दुष्ट राक्षस ने हरण कर लिया है। हम उन्हीं को खोजते फिर रहे हैं और भूख प्यास से व्याकुल होकर ही यहाँ तक पहुँचे हैं। हे माता, आप कृपा कर हमें ये आज्ञा दीजिए कि हम ये फल और जल पीकर अपनी क्षुधा शांत कर सकें। हे पुत्र, तुम सब यहाँ श्री राम जी के कार्य हेतु पधारे हो, तुम सबका कल्याण हो, निश्चित होकर फल फूट और सब चीज खाकर अपनी क्षुधा शांत कर सकते हो। जाओ पुत्र। चलो भाइयों। चलो मातेश्वरी, आपकी कृपा से हम सब तृप्त हो गए। अब आप हमें यहां से जाने की आज्ञा दीजिए और संभव हो तो माता जानकी के विषय में भी कुछ जानकारी दीजिए। हे पुत्र, तुम सब रामचंद्र जी का ध्यान करते हुए नेत्र बंद करके बैठ जाओ। मैं तुम सबको क्षण मात्र में उस जगह पहुंचा दूंगी जहां से तुम सबको सीता जी के बारे में पता चलेगा। बैठ जाओ, नेत्र बंद करके रामचंद्र जी का ध्यान करके बैठ जाइए। भाइयों 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 बैठ जाओ, सब लोग नेत्र बंद करके बैठ जाएं। सब लोग नेत्र बंद करके बैठ जाइए उस निर्जन गुफा से इस समुद्र तट पर कैसे आ पहुंचे, और यहां पर हमें माता जानकी का पता कौन बताएगा। हमारी तो चारों तरफ से मृत्यु ही मृत्यु है, इधर माता जानकी का पता नहीं मिला।
और उधर हमारी हत्या सुग्रीव जी कर देंगे। यही विधि कथा कहूं बहु भांति, गिरी कंदरा सुनी संपाती, बाहर होई देखी बहु की सार, मोहि आहार दीह जग दी। कथक हुई निश्चर से भेटा, प्राण ले एक एक चपेटा, बहु प्रकार गिरि कानन हे रही, ओ मुनि मिलाई ताई सही। अरे भाइयों भाइयों पीछे हटो, नहीं तो ये तुम्हें खा जाएगा। पीछे हटो भाइयों। आज ब्रह्मा ने मुझे बड़ा अच्छा आहार दिया है। आज तुम सबको खाकर अपनी क्षुधा शांत करूंगा। भाइयों, जटायु के समान कोई उपकारी नहीं था, और एक ही गिद्ध है जो हम सबको देखकर हमें खा जाना चाहता है। जटायु प्रभु श्री राम के कार्य हेतु अपने प्राण विसर्जन करके चला गया। जटायु, अरे भैया तुम लोग कौन हो, अब मेरे समीप आओ। नहीं नहीं, तुम हमें खा जाओगे। नहीं नहीं, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा, मेरे समीप आओ। नहीं, तुम पहले भगवान श्री राम की सौगंध खाओ। देखो भैया, मैं भगवान श्री राम की सौगंध खाता हूँ कि मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा, उस पर भी तुम्हें विश्वास हो तो मेरी चोट पकड़ लो। लाओ ये लो। ओ भैया, जटायु को क्या हुआ, क्या कह रहे थे तुम? जटायु किसी दुष्ट राक्षस ने माता सीता का हरण किया था, और हरण करते समय जब वो आकाश मार्ग से सीता जी को ले जा रहा था, तब जटायु ने उन्हें छुड़ाने का प्रयत्न किया, जिसके फल स्वरूप उसके पंख काट दिए गए और उसे मार दिया गया। उस राक्षस ने उसे मार डाला। क्या जटायु मारा गया? हाँ भाई। ले जटायु पानी, तू मरला हम जानी, ले जटायु पानी, तू मरला हम जानी, ले जटायु। उसके बाद वानर राज सुग्रीव से राम जी ने मित्रता की, और हम सभी वानर अब माता सीता की खोज करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। भाई, आप यहाँ पर किस कारण से निवास करते हो, और आप जटायु के भाई होते हुए यहाँ कैसे दीनहीन अवस्था में हो? क्या करूं, एक समय की बात है कि जटायु मेरा भाई तो था ही, परंतु अत्यंत बलवान था, मैं भी बलवान था। एक समय की बात है कि हम दोनों भाइयों में ऐसा लगा कि दोनों भाइयों में अति बलवान कौन है। इसका परीक्षण करने के लिए हम दोनों भाइयों ने कहा कि हम दोनों में पहले अत्यंत बलवान कहो जाएगा, इसके लिए कैसे परीक्षण किया जाए। फिर क्या हुआ? तो हम दोनों भाइयों ने कहा कि जो पहले समीप सूर्य के समीप पहुंचेगा वो अत्यंत बलवान कहाएगा। हाँ, फिर हम दोनों भाई आकाश मार्गों को उड़ चले। अच्छा। उड़ते 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 क्या हुआ? अरे हुआ भैया कि मैं जटायु तो सूर्य के तापमान से लौट आया, परंतु मैं अभिमानी उड़ता रहा। अरे लेकिन उड़ते 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 अब क्या हुआ, सूर्य के तापमान से मेरे पंख जल गए। फिर वहां से मैं लुढ़कते पुड़कते लुढ़कते पुड़कते लुढ़कते पुड़कते लुढ़कते। तो फिर क्या हुआ? अरे भाई, इतना जाने में समय गिरा, जाना लगे, गिरने में भी तो उतने समय लगेगा।
आइए आइए लुढ़कते। कहने का तात्पर्य यह है कि मैं, मेरे पंख जल गए और मैं यहाँ समुद्र के किनारे गिर पड़ा। एक समय की बात है कि चंद्रमा ऋषि इधर से जा रहे थे, उन्होंने मेरी इस दशा को देखा, मेरे शरीर को कीटे कीटाणु खा रहे थे। उन्होंने देखकर कहा, अरे संपाति, तेरी यह दशा कैसे हुई? मैंने उन्हें सारा वृतांत कह सुनाया। तब वो बोले कि अरे संपाति, जिस समय श्री राम के दूत श्री जानकी की सुधि लेने के लिए आएंगे तो उनके दर्शन करके तेरे पंख निकल आएंगे। तो भैया मुझे लग रहा है पंख निकल रहे हैं। निकल आए आपके, तो पंख आने लगे। निकल आए मेरे पंख निकल आए। हाँ, प्रभु राम की कृपा से आपके पंख निकल आए। हे गिद्ध, कृपया हमें माता सीता के बारे में भी जानकारी दे दीजिए। वो देखो अशोक वाटिका में माता जानकी जी बैठी हुई हैं। वो देखो, अरे भैया गिद्ध ही दृष्टि अपार, मैं देखूं तुम ना ही। हम गिद्धों की दृष्टि अपार होती है, जो मैं देख सकता हूं तुम उसे नहीं देख सकते। देखो वो अशोक वाटिका में माता जानकी जी बैठी हुई हैं, जाओ और उनकी सुधि ले आओ। इतना अथाह समुद्र। कहने वाला कह गया, अब करने वाले आओ, अपने अपने हौसले बहादुरों दिखलाओ। करना तो इतना ही है, बस एक छलांग मारना है। यह युद्ध नहीं, संग्राम नहीं, संयोजन सिंधु लांगना है। मेरी तरुणाई होती तो उस पार पहुंच जाता अब तक, पीछे तुमसे बातें होती सीता सुधी ले आता अब तक। वह मन प्रभु ने जब बलि बांधा, मेरा उन दिनों जमाना था, दो घड़ियों में भूमंडल का हो जाता आना जाना था। अब तो युवकों की है बारी, मेरी तो वृद्ध अवस्था है, यदि वहां तलक ना कोई गया तो यही डूबना अच्छा है। भाइयों, मैं तो केवल 50 योजन छलांग ही लगा सकता हूं। भाइयों, मैं तो केवल 60 योजन ही छलांग लगा सकता हूं। मैं पार तो जा सकता हूं, किंतु लौटने में संशय है। अंग जी, आप तो युवराज हैं, हम आपको कैसे भेज सकते हैं? तुम सभी योग्य हो जाने के, लेकिन कुछ हिचक रहे यारो। करते क्यों नहीं प्रार्थना कपियों के नायक से यारो? हम तुम सब लोग अधूरे हैं, पूरा वह राम दुलारा है। बल्ली उसके ही हाथ दो, वो ही मल्ला हमारा है। हे पवन तनय अंजनी लाल, अपनी तंद्रा को त्यागो तुम, संपूर्ण शक्ति के साथ साथ हे राम दुलारे जागो तुम। हे कामरूप शंकर स्वरूप, बजरंगी नाम तुम्हारा है, अपने जीवन को याद करो, ये जंगी काम तुम्हारा है। सूरज का तुमने ग्रास किया, शैलों को तुमने तोड़ा है, जिस बल से ऐसे काम किए वो बल कब कोरक छोड़ा है। रणधीर उठो, बलवीर उठो, अब काज आपके हाथों है, है कृपा धाम के कृपा पात्र, ये काज आपके हाथों है। हे पवन तने हे अंजनी लाल, हे पवन तने हे अंजनी लाल, अपनी नेता से जागो तुम, संपूर्ण शक्ति के साथ साथ हे राम दुलारे जागो तुम, हे राम दुलारे जागो तुम। हे काम रूप शंकर स्वरूप, बजरंगी नाम तुम्हारा है, ये जंगी काम तुम्हारा है। हे पवन पुत्र हनुमान, हे राम दूत हनुमान, हे पवन पुत्र हनुमान, हे राम दूत हनुमान।
कहते हो, जो कर बादल पर गरजू मैं, पहले लंकेश्वर को मारूं या लंका उल्टी कर दूं मैं, इस खारी जल की धारा को लागू या अभी मिल जाऊं, जिस गिर पर लंका पूरी है वो गिर त्रिकूट ही ले आऊं। सौगंध पूर्वक कहता हूं जो कहता हूं कर दिखलाऊंगा, अपनी माता श्री सीता को राघव से अभी मिलाऊंगा। शांत शांत रण केसरी, रोको निज आवेश, उतना ही करिए बलि जितना है आदेश, तुम केवल लंका में जाकर माता का पता लगा आना, आवश्यक समझो तो कुछ बल रावण को भी दिखला आना, हम यही मिलेंगे वीर तुम्हें, अति शीघ्र कार्य तुम ये कर आओ, शुभ आशीष साथ तुम्हारे है, बजरंग बली जाओ जाओ। जय श्री राम। हे धन धन पवन सुत धन अंजनी सुत, धन धन पवन सुत धन अंजनी सुत, धन धन मेरे हनुमान, राम जी के बिगड़े सवारे तूने मान, राम जी के बिगड़े सवारे तूने मान। हे धन 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 अंजनी सुत धन धन पवन सुत धन अंजनी, सुग्रीव से मिलन कराया, अग्नि को साक्षी दे कर पे प्रेम सूत्र बंधवाया, अग्नि को साक्षी दे कर पे प्रेम सूत्र बंधवाया, आज्ञा पाकर श्री राम की हो, आज्ञा पाकर श्री राम की लंका पहुंचे मेरे को प्रभु ने इतना बढ़िया आहार दिया है, मैं इसे खाकर अपनी सुधा शांत करूंगी। हे मातेश्वरी, मैं प्रभु श्री राम का सेवक हूं, अतः उन्हीं के कार्य हेतु जा रहा हूं, जब मैं लौट आऊं और माता सीता का समाचार उन्हें सुना दूं, आप तब मुझे खाइएगा। नहीं, मैं तो अभी खाऊंगी और अपनी सुधा शांत करूंगी। नहीं जाने दो। हे मातेश्वरी, मेरी विनय सुनिए। नहीं नहीं, मैं तो खा के ही रहूंगी। अच्छा, तो अब तू मुझे खा ही ले। अरे
जस जस सुर सा पदन बढ़ावा तासो दोन कपि रूप दिखावा सत जो जन ते आनन की हा अति लघु रूप पवन सुत कहे अनुसार अब तो मैं आपके शरीर में प्रवेश भी कराया, अब तो मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। हे पुत्र, मैंने आपकी बल और बुद्धि का पार पा लिया है। आप प्रभु के जिस कार्य हेतु आए हैं आप उसमें जरूर संपन्न पूर्ण होंगे। आप जाइए और आप अपने कार्य को निश्चित कीजिए। जय श्री राम। समान रूप